आज देखते हैं कि इस पिटारे में कौन सा खजाना छुपा हुआ है। ये है वेजिटेबल पेंटिंग। मैं आज आपको वेजिटेबल पेंटिंग सिखाने वाली हूँ। वेजिटेबल पेंटिंग बनाने के लिए हमें चाहिए ड्राइंग पेपर, कुछ भिंडी, एक कांदा, अगर छोटा हो तो फूल ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे, और साथ में चाहिए कलर्स जैसे कि पिंक, रेड, ब्लू, और डालियां बनाने के लिए डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, और इसमें हम बादल भी बनाएंगे तो उसके लिए चाहिए हमें रुई और ब्लू इंक, या आप ब्लू कलर का एक्रिलिक कलर भी यूज कर सकते हो, और उसी के साथ थोड़े ब्रश भी साथ रख लीजिएगा। सबसे पहले ग्रीन कलर से हम फूलों की डालियां और घास बनाएंगे। अब हम लेंगे रेड और ब्लू कलर फ्लावर्स बनाने के लिए। फ्लावर्स के लिए हमने ये भिंडी काटी है ऐसे, और कांदा भी बीच में से आधा काटा है ताकि इससे फूल की शेप बन सके। अब हम भिंडी को ऐसे कट करेंगे और रेड कलर में डिप करेंगे, और न्यूज़पेपर नजदीक में रख के ये भिंडी पे जो एक्स्ट्रा कलर लगा हुआ है वो इस पे पोंछ लेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे फूल बहुत साफ सुथरे नहीं होंगे। देखा, ऐसे करना है। अब हम ये कांदे से फ्लावर्स बनाएंगे, और इसमें यहाँ पे टूथपिक लगाई है ताकि हम लोग ठीक से पकड़ सके और उसका फ्लावर्स बना सके और यहाँ पे ऐसे दबा सके। अब इसके लिए कलर लिया है पिंक, और ये पिंक कलर में हमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। अब हम इस कांदे से बाहर की थोड़ी सी परत निकाल देंगे ताकि हमें छोटा फूल भी मिल सके। अब हम ऐसे रुई के बादल बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए रुई, जिसको हमें एकदम पतला पतला निकाल लेना है ऐसे। पतला पतला बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा दिखेगा और आसानी से चिपकेगा भी। और जो इंक ली है हमने, उसको ब्रश से लगाना है।
अब हम इसे सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये रुई के बादल सूख गए हैं ऐसे, इसे हम फेविकॉल से स्टिक करेंगे। फेविकॉल हम ये ब्रश से इस पे लगाएंगे। ये फेविकॉल हमने ब्रश से इसलिए लगाया ताकि ये रुई हमारी उंगलियों में चिपके नहीं। और ये हो गया हमारा वेजिटेबल पेंटिंग तैयार। अगर आपको मेरा वेजिटेबल पेंटिंग वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक एंड शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना, और उसके बाजू में जो बेल बटन है ना उसे क्लिक करना ताकि आपको अगला वीडियो कब आ रहा है वो पता चल जाएगा। तब तक अच्छे बच्चे बनकर रहना, मम्मी पापा को तंग बिल्कुल मत करना और अपने हाथ ठीक से धोना। अच्छा बच्चों, मैं निकलती हूँ।